ऋषभान जी, देवोशयन का समय आरंभ हो गया है। अब 3 माह तक कोई भी विवाह नहीं हो सकता। अब क्या होगा कृष्ण? तनिक ध्यान से देखिए गुरुपद जी, कोई तो मार्ग अवश्य होगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? देवोशयन का जो समय होता है अशुभ होता है, अपवित्र होता है, पर ऐसे में अपनी पुत्री समान राधा का विवाह कैसे करवा दूं? देखिए, इससे इसके भविष्य को हानि भी पहुंच सकती, कुछ भी हो सकता है। काका, क्या देवशयन आरंभ हो चुका है? मात्र 10 दिवस शेष हैं। और राधा बिटिया अपना विवाह भव्य करवाना चाहती है, दिव्य करवाना चाहती है। अब 10 दिन के भीतर इतने सारे प्रबंध करना असंभव होगा। 10 दिन तो बहुत होते हैं, 10 दिन में तो सब हो ही जाएगा। हाँ हाँ, विवाह के प्रबंध के लिए 10 दिन पर्याप्त होते हैं। ऋषभान काका, नंद बाबा, ये दायित्व तो आप मुझे सौंप दीजिए। 10 दिन में मैं सब तैयार कर दूंगा, सब सज्ज हो जाएगा, विश्वास रखिए। तो ठीक है, रोहिणी नक्षत्र में जन्मा कृष्ण और पुष्य नक्षत्र में जन्मी राधा का विवाह करवाना है। अनुराधा नक्षत्र में। अनुराधा अर्थात जो राधा का अनुगामी हो, जो राधा के पीछे चले। सही कहा, परंतु अनुराधा नक्षत्र आया नहीं। अब क्या करोगे कृष्ण? अब मैं करूंगा माया। उग्रपद काका, तनिक एक बार पुनः नक्षत्र देख लीजिए ना। क्यों ऋषभान काका, आपको क्या लगता है, एक बार देखना चाहिए? हाँ हाँ, बताइए ना गुरुपद जी। जी कदाचित मुझसे भूल हुई, नवमी अनुराधा नक्षत्र में ही है। और ये दिवस भी बहुत शुभ है और ग्रहों की स्थिति भी श्रेष्ठ होगी। हाँ तो ठीक है, नवमी से। देखा आपने, मैंने कहा था सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, भूल उग्रपद काका से हुई, अश्य तुम दे रहे हो? किंतु बाबा, विवाह के प्रबंधों में तो एक दिन कम हो जाएगा, क्यों ना हम नवमी की जगह दशमी को ही विवाह कर लें? परंतु राधा, तिथि के साथ ग्रहों की स्थिति भी बदलेगी। मैं देखता हूं। आश्चर्य, दशमी पर भी वही नक्षत्र और ग्रहों की भी वही स्थिति। अद्भुत सही हो गए हैं, जीवन में इससे पहले कभी नहीं देखा मैंने। देखा, सब समझ रही हूँ। तुम उग्रपद काका के गणों में गड़बड़ कर रहे हो। भला कोई ग्रहों की स्थिति बदल सकता है क्या? अरे क्या रहे, तुम्हारे सामने भी बदली मैंने। तो क्या बताऊं राधे, मेरे प्रेम चाहे तो ब्रह्मांड बदल सकता है। काका, जो आप सबने सुनिश्चित किया है वही करते हैं, नवमी के दिन ही विवाह करते हैं।
परंतु कुछ भी करने से पहले एक बार मेरी युक्ति सुन लीजिए। यदि किसी भी प्रकार इस विवाह को 10 दिन तक टाल दिया जाए तो अगले 3 महीने तक स्थगित हो जाएगा और तब हमें नई युक्ति सोचने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा महाराज, और अवश्य अवश्य हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। ठीक है। दाव, मुझे एक निमंत्रण चाहिए, मुझे एक निमंत्रण देना है ना। अभी इस समय तुम कहीं नहीं जा सकते हो। इस समय यहाँ पर हमारे पास 10 दिनों का ही अल्प समय शेष है। इस समय में तुम्हें यहीं रहकर हमारी सहायता करनी होगी सभी कार्यों में। किंतु निमंत्रण देना भी तो आवश्यक है ना। देखो, यदि निमंत्रण देना ही है तो निमंत्रण पत्र भिजवा देंगे। कल प्रातः जैसे ही निमंत्रण पत्र आएंगे निमंत्रण पत्र भिजवा देंगे। ठीक है। जिन्हें निमंत्रण देना है उन्हें निमंत्रण देने के लिए कृष्ण को ही जाना होगा। ऐसा कौन है